अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इसी के साथ 2024 चार धाम यात्रा का शुभारंभ भी हो गया है। कपाट खुलने के मौके पर तीनों धामों को भव्य रूप से सजाया गया है। आज सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 10:29 पर और गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर देश विदेश के भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। केदारनाथ के कपाट खुलने के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम में मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंची। बाबा केदार की पंचमुखी डोली अपराह्न 3 बजे केदारनाथ धाम पहुंची। बाबा केदार की डोली के साथ हजारों श्रद्धालु भी केदारपुरी पहुंच गए। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों और सेना के बैंड की धुन से केदारनाथ धाम गूंज उठा। वहीं कल देर शाम तक 16,000 से अधिक श्रद्धालु भी पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंच गए थे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। धाम में दर्शन के लिए इस बार श्रद्धालु आस्था पथ से जाएंगे। आस्था पथ पर बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है, साथ ही बारिश और बर्फबारी से बचने के लिए रेन शेल्टर बनाया गया है। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण के आंकड़े को देखते हुए इस बार भी प्रदेश सरकार को चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।